हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और आज हम बनाएंगे बेसन की पेड़े। ये बनते हैं उसी तरीके से जैसे बेसन के लड्डू बनते हैं। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। घी लिया है हमने, घी मैंने 200 ग्राम लिया है। बेसन लिया है, बेसन 250 ग्राम है। लगातार चलाते हुए पकाना है, 8 से 10 मिनट लग जाते हैं पकने में। बेसन पकता जाता है ना तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है, साथ में खुशबू भी आती जाती है। थोड़ा सा मैंने घी इसमें और डाला था। जब बेसन पक जाएगा तो मैंने इसमें थोड़ी सी ना पानी की छींटे मारी थी ताकि बेसन जो थोड़ा दानेदार हो जाएगा उससे टेस्ट और अच्छा आएगा। बेसन पक गया है, मैंने ये थाली में निकाल लिया है, उसी में मैंने इलायची पाउडर डाला है, थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तब तक बेसन ठंडा हो रहा है, इधर मैंने खरबूजे के बीज लिए हैं थोड़े से, उन्हें घी में फ्राई करेंगे। बेसन ठंडा हो गया है, हम इसमें चीनी मिलाएंगे। ये वो दानेदार वाली चीनी है, कहीं कहीं इसको बूरा बोलते हैं, खिलादाना भी बोलते हैं। खरबूजे के बीज मैंने मिला लिए इसमें। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे लड्डू बनाते हैं ना उसी तरीके से बनाना है। इसमें थोड़ा सा घी ज़्यादा रखा था और पानी थोड़ा सा छींटे मार दिए तो हल्का सा गीला रहता है, थोड़ा सा पतला बना लेना है। जैसे लड्डू बनाते हैं ना उसी तरीके से, बस हल्का हल्का से प्रेस करते जाएंगे ना तो वो चेंज हो जाता है। जैसे कि लड्डू बनाते हैं तो गोल गोल होता है और पेड़े बनाते हैं तो वैसे थोड़ी सी चपटी आकार के हो जाते हैं, बस थोड़ी सी शेप चेंज हो जाती है। बस हमने एक एक उस पर बादाम रख दिया